आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम प्रश्नोत्तर देखेंगे। सारी चीज़ें आपको हमने पहले समझा चुके हैं, बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर प्रश्नोत्तर के माध्यम से एक बार और थोड़ा समझा देते हैं। योजना की परिभाषा दीजिए। योजना क्या है, मतलब योजना की व्याख्या करते हैं, जैसे कि देश के संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए, मतलब योजनाबद्ध तरीके से हम संसाधनों का उपयोग करते हैं। भारत ने योजना को क्यों चुना, इसमें हम देखेंगे। अंग्रेजों से भारत के विभाजन की समस्या के साथ एक स्थिर और खोखली अर्थव्यवस्था के रूप में छोड़ दिया गया था। इसमें सर्वांगीण विकास योजना का आह्वान किया गया था, जिसमें सरकार ने अर्थव्यवस्था निजी हाथों में छोड़ दिया होता तो बड़े पैमाने पर उपस्थिति गरीबी बेरोजगारी और न्यूनतम पर ध्यान दिया होता। लेकिन इसमें हम ये देखेंगे कि एक प्रमुख खंड में कष्टों का सामना करना पड़ता था और बड़े स्तर पर योजनाओं के साथ एकीकृत प्रयास की जरूरत थी। इसमें केवल आर्थिक योजना प्रणाली द्वारा ही कर सकती थी, इसलिए भारत ने इस योजना को चुना। इसके माध्यम से ये था कि गरीब वर्ग जो है वह सभी लोग मतलब उस योजना में लाभ ले सकते थे, सबका विकास संभव था। फिर हम देखें योजनाओं के लक्ष्य क्या होने चाहिए। योजनाओं के लक्ष्य के लिए हमें ये निश्चित करना होता था कि हमें कौन कौन से संसाधनों की उपलब्धता है, उस आधार पर हम योजनाओं के लक्ष्य को निर्धारित कर सकते हैं। जैसे सामान्य लक्ष्यों को बनाना पूर्णतः अर्थहीन होगा, क्योंकि कुछ लक्ष्य होना आवश्यक है। जैसे एक छात्र जब परीक्षा तैयारी करने की योजना बनाता है तो कुछ विशिष्ट लक्ष्य उसके होते हैं कि एक विशेष विषय को समाप्त करना, या हम एक बिना विशिष्ट लक्ष्यों के राष्ट्रीय योजनाओं के बारे में कैसे सोच सकते हैं। मतलब हमारा लक्ष्य होना बहुत ही जरूरी है। फिर उच्च पैदावार वाली किस्म बीज क्या होते हैं। उच्च पैदावार वाली किस्म बीज वो होती हैं जो पानी, उर्वरक, कीटनाशकों, अन्य सीमित साधन जो प्रदान किए जाने के बाद भी अधिक उत्पादन में दे सके। फिर विक्रय अधिशेष क्या है। विक्रय अधिशेष बाजार में बेचा गया अंश विक्रय अधिशेष कहलाता है। कृषि क्षेत्र के लिए लागू गए विभिन्न सुधार की आवश्यकता और उनके प्रकारों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर भारत में बिचौलियों की एक बड़ी सेना थी, जिसमें जमींदार, महलवार, रैयत आदि वस्तु जो किसान ने किराया वसूल करते थे और उसका एक हिस्सा भू राजस्व सरकार के पास जमा कराते थे। फिर इस तरह से उन्हें दासों के जैसे व्यवहार किया जाता था। फिर आवश्यकता थी बिचौलियों के उन्मूलन के लिए, बंजर भूमि, जंगल आदि सरकार के हस्तांतरित करने के लिए, भूमि वितरण समानता लाने के लिए और किसानों को भूमि मालिक बनाने के लिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे प्रकार, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, मतलब जमींदारी प्रथा थी उसको समाप्त करना, किराएदारी में सुधार, किराए से दिया गया है तो किराया विनिमय, कार्यकाल सुरक्षा और किराएदारों की स्वामित्व का अधिकार। फिर गति अधिकतम भूमि सीमा का, मतलब भूमि को किस तरह से कितना भूमि उनके पास होना चाहिए, जिस भूमि का वितरण करना है, भूमि की चकबंदी करनी है सहकारी खेती से, कि मतलब कौन सी खेती है। फिर हरित क्रांति क्या है, इसे लागू कैसे किया जा सकता है, इसे किसानों को कैसे लाभ पहुंचाया जा सकता है। तो इसमें हम देखेंगे नई कृषि नीति के अंतर्गत कृषि कम अनियमित वृद्धि दर्शा रही है, जिसमें कृषि की चरम क्षेत्रीय असमानता है और बढ़ती हुई अंतर्राष्ट्रीय असमानता थी। लगातार 2 वर्षों से गंभीर सूखे की स्थिति भी थी, और फिर बाद में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था उस समय भी हमारी कृषि जो थी थोड़ी सी कृषि की उत्पादनता में प्रभावित हुई थी। फिर अमेरिका में भारत की PL 480 आयात करने से भी इनकार कर दिया था। इस स्थिति को सुधारने के लिए हरित क्रांति को अपनाया गया था, जिससे कि खाद्यान्न आपूर्ति जैसी महत्वपूर्ण मद के लिए विदेशी मदद पर निर्भर ना रहा जा सके और हरित क्रांति से अधिक उत्पादन को बढ़ावा मिल सके। उसके साथ साथ आय में बढ़ोतरी करना, सामाजिक क्रांति पर प्रभाव लाना, रोजगार में वृद्धि करना, हरित क्रांति से यही हुआ, आय में भी वृद्धि हुई, सामाजिक क्रांति भी आई, लोगों ने उर्वरकों और बीज का उपयोग करना चालू किया, फिर रोजगार में वृद्धि हुई, एक अच्छा किसान भी, मौसमी बेरोजगारी की समस्या भी हल हो गई थी। फिर योजना के उद्देश्य के रूप में समानता और साथ समृद्धि की व्याख्या। समृद्धि समानता समृद्धि दो गसी संघर्षशील उद्देश्य है, क्योंकि दूसरे का त्याग करना होता है और आय में समानता समृद्धि बाधक होती है, इससे प्रेरणा की कमी आती है। फिर क्या रोजगार सृजन की दृष्टि से योजना के उद्देश्य में आधुनिकरण विरोधाभास पैदा करता है, व्याख्या कीजिए। अब उद्देश्य जो है उससे विरोधाभास कैसे पैदा, एक देश के दूसरे का बलिदान करना होता है। यदि हम एक क्षेत्र का विशेष महत्व देंगे, जैसे लक्ष्य हमने कहा, यदि हम कृषि क्षेत्र को महत्व देंगे औद्योगिकरण को कम महत्व देना पड़ेगा, इस तरह से एक उद्देश्य को पूरा करने के दूसरे उद्देश्य का बलिदान करना पड़ जाता है। फिर भारत जैसे विकासशील देश के रूप में आत्मनिर्भरता का पालन क्यों आवश्यक है, इसके लिए खाद्यान्नों पर निर्भर होना होगा, विदेशी मदद आयात निर्यात को कम ही करना पड़ेगा, फिर निर्यातों में वृद्धि करनी पड़ेगी, घरेलू सकल उत्पादन में उद्योगों में योगदान करना होगा जिसमें कि वृद्धि हो सके। फिर कृषि अर्थव्यवस्था का क्षेत्र गठन क्या होता है, क्या आवश्यक है, GDP सेवा क्षेत्र के योगदान करना चाहिए या नहीं, तो हम इसमें देखेंगे तीनों क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का गठन कहा जाता है, क्योंकि GDP सेवा क्षेत्र में अधिक योगदान
योजना अवधि के दौरान औद्योगिक विकास से सार्वजनिक क्षेत्र को अग्रणी भूमिका क्यों सौंपी गई थी, इसमें देखेंगे एक मजबूत औद्योगिक आधार बनाने के लिए, बुनियादी ढांचे का विकास करने के लिए, पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने के लिए, बचत जुटाने के लिए, विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए, आर्थिक शक्ति की एकाग्रता को रोकने के लिए, आय धन का वितरण समानता को बढ़ावा देने के लिए, रोजगार प्रदान करने के लिए, आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा देने के लिए। फिर हाँ देखिए इस कथन की व्याख्या करें कि हरित क्रांति ने सरकार को खाद्यान्न के प्रापण द्वारा विशाल सुरक्षित भंडार बनाने के योग्य बनाना है या कमी के समय उसका उपयोग किस तरह से कर सकते हैं। हरित क्रांति में नए तकनीक के उपयोग के लिए कृषि उत्पादन उत्पादन होने में भारी वृद्धि को संदर्भित करना और दुर्लभतापूर्ण पूर्ण अर्थव्यवस्था में बहुतायत पूर्ण अर्थव्यवस्था में बदल दिया था, जिससे हरित क्रांति से उत्पादन उत्पादक में भारी परिवर्तन आया। इससे पैदावार किस्म कार्यक्रम में HYP केवल 5 फसलों में गेहूं चावल ज्वार बाजरा मक्का तक ही प्रतिबंधित रहा, लेकिन नई कृषि नीति के दायरे से इनको बाहर रखा गया, जिससे गेहूं उत्पादन पर्याप्त वृद्धि देखने में आई है। फिर देखेंगे सहायकी किसानों के लिए नई प्रौद्योगिकी योजना का प्रयोग किस तरह से प्रोत्साहित करती। सहायकी के पक्ष में हम देखेंगे कि नई तकनीक अपना से किसानों को प्रोत्साहन देने में सहायकी आवश्यक है। किसान गरीब है तो उससे सरकारी मदद दी जाए। कृषि जोखिम भरा व्यवसाय है, क्योंकि किसान इसका जोखिम भरना सक्षम है या नहीं उसकी सहायता करनी होगी। फिर सहायकी के अंतर्गत हम केवल अमीर किसानों को ना होकर गरीब किसानों को भी मिलना चाहिए। फिर सुनिश्चित करना होगा कि लाभ केवल गरीब किसानों को मिले। फिर सहायकी विपक्ष में था, सहायक उद्देश्य पूरा हो चुका है, चरण नीति से हटा दिया जाना चाहिए, किसानों और कंपनियों से मिल रहा है और वित्त का भारी बोझ है, इसे आदमी आम आदमी को ही उठाना पड़ता है। हरित क्रांति के बाद भी 1990 में हमारी 65% जनसंख्या कृषि क्षेत्र में ही लगी हुई है। इसके लिए हरित क्रांति पूरे देश में नहीं बल्कि पंजाब हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश सफल रही और राज्य आबादी में भी गिरावट आई है। हरित क्रांति केवल फसलों तक ही सीमित थी। फिर यद्यपि उद्योगों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र बहुत आवश्यक रहा है, इसकी उपक्रम बताई। भली भांति ज्ञात है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम लाभार्जन नहीं बल्कि कल्याण के उद्देश्य संचालित किया जाना चाहिए। ये एक मजबूत औद्योगिक आधार का निर्माण करते हैं, सामाजिक आर्थिक ढांचे के विकास में मदद करते हैं, पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर केंद्रित करते हैं, कुछ हाथों में एकाग्र होने से रोकता है, असमानताओं को कम करता है, औपचारिक क्षेत्र में रोजगार का सृजन भी करता है। फिर आयात प्रतिस्थापन किस प्रकार घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करता है। यहाँ पर हम देखेंगे उत्पादकों की इन उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, वे उतने कुशल ना होते हुए भी बाजार में जीवित रह सकते हैं और शैशव अवस्था में तक आधारित थी और इसके बाद विदेशी मुद्रा बचाने में भी मदद के लिए आवश्यक निर्यात की उपयोगी की जा सकती है। फिर औद्योगिक नीति प्रस्ताव में 1956 में निजी क्षेत्र का नियमन क्यों और कैसे किया जाता है, इसके लिए हम प्रस्ताव देखेंगे 3 वर्षों वर्गों में बांटा गया है। एक प्रथम श्रेणी में उद्योगों को शामिल किया गया, पूर्णतः सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है और निजी क्षेत्र की प्रवेश की अनुमति नहीं थी। फिर 17 उद्योग जो है वे शामिल थे। दूसरी श्रेणी में उद्योग शामिल किए गए जिसमें कि निजी क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका में पूरक भूमिका निभा सकता है और तीसरी श्रेणी में से सभी शामिल हो सकते हैं। इस तरह से हम देखेंगे कि ये सहज ही प्रवेश कर सकता है।